नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में आपको ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि इस बीमारी के अंदर क्या क्या होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टीबी की हिस्ट्री की, तो जो इसकी हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बीमारी इंसानों में हजारों साल से चलती आ रही है, लेकिन जो इसका मेन बैक्टीरिया जो है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, इसकी पहली बार जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एक डेड बाइसन में, और ये बात है 17,000 साल पुरानी। अब दोस्तों, ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, क्या ये बोविंस की स्पीशीज से ओरिजिनेट हुई थी। बोविंस दोस्तों एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें हम लोग कैटल्स को इंक्लूड करते हैं, और उसमें बफेलो और बाइसन की कैटेगरी आती है, इसको हम बोविंस बोलते हैं। अब दोस्तों, जो इसकी मेन डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 24 मार्च 1882 को, और जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम है रॉबर्ट कॉच, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया मेडिसिन में। अब दोस्तों, उनको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कैटल्स में जो बैक्टीरिया पाया गया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वही सेम बैक्टीरिया पाया जाता है ह्यूमंस में जब उनको ये बीमारी हो जाती है, जिसके चलते जो इस मेन बीमारी के फैलने का जो कारण था उसको ढूंढने में उनको बहुत देर लग गई। लेकिन फाइनली ये पता चला कि जो इन्फेक्टेड मिल्क है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, और इससे ये बीमारी चारों तरफ फैल गई थी। अब इससे बचने के लिए उन्होंने एक वैक्सीन को भी बनाया था जिसका नाम था ट्यूबरकुलिन, लेकिन ये दोस्तों सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फाइनली कुछ साल और बाद जब हम लोगों ने मिल्क में पाश्चराइजेशन के प्रोसेस को इन्वेंट किया, तो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स थे उनमें हमें भारी कमी देखने को मिली। तो इससे ये बात और श्योर हो गई कि शुरू में हमें जितने भी केसेस देखने को मिले ट्यूबरक्लोसिस के, वो मेनली इन्फेक्टेड मिल्क की वजह से ही हुए थे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के अंदर होता क्या है। तो जो इसका मेन बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है, और भी पार्ट्स को कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैक्टीरिया लंग्स को ही अफेक्ट करता है। अब जितने भी लोग इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं उनको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10% लेटेंट इन्फेक्शन केसेस में देखा गया है जब बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है तो हमें उनमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कफिंग हो गई, ब्लड भी आता है कफ के साथ, और आपको रात में पसीने भी आएंगे। और दोस्तों, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस का वो है वेट लॉस, और इसका जो डायग्नोसिस है ये मेनली हम लोग चेस्ट के एक्सरे के थ्रू करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो मेनली यहाँ पे वैक्सीन इन्वेंट की थी दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिल गुवेरिन ने। दोस्तों, इन्होंने BCG वैक्सीन को इन्वेंट किया था जो कि इन्हीं के नाम पे है, और इसका फुल फॉर्म है बैसिल कैलमेट एंड गुवेरिन वैक्सीन। और इस वैक्सीन को हम लोगों ने सबसे पहली बार 1921 में फ्रांस में यूज किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये वैक्सीन को सारी कंट्रीज ने यूज करना चालू कर दिया था। और दोस्तों, ये एक सक्सेसफुल वैक्सीन थी और ये ट्यूबरक्लोसिस रोकने में कामयाब हुई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपके मन में आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।